हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेसन नंबर 2 ऑफ ज्योग्राफी। पेज नंबर इज 10। लेट अस यूज द ग्रेटिक्यूल। ग्रेटिक्यूल क्या होता है हमने पिछले लेसन में देखा है। नाउ वी विल सी द यूज ऑफ ग्रेटिक्यूल। ये जो ग्रेटिक्यूल होता है, ये जो आप जाला टाइप देख रहे हो ना, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड का ये जो जाला नेट बना है उसे बोलते हैं ग्रेटिक्यूल। तो वो ग्रेटिक्यूल का उपयोग हम किसी भी जगह का लोकेशन बताने के लिए, किसी भी शहर का बोलो, किसी देश का या किसी कॉन्टिनेंट का या किसी भी जगह का लोकेशन जो है हम उससे उसके जरिए बता सकते हैं। नाउ सी, ऑब्जर्व द ग्लोब एंड आंसर द फॉलोइंग। व्हाट आर द हॉरिजेंटल लाइंस ऑन द ग्लोब कॉल्ड। हॉरिजेंटल लाइंस मैंने बताया है आपको, लैटिट्यूड्स होते हैं, पैरेलल्स भी बोलते हैं उनको। लिस्ट द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस थ्रू विच द इक्वेटर पासिस। इक्वेटर जिस जिस कॉन्टिनेंट और ओशन में से पास होता है वो आपको लिखना है। देखिए, ओशन में पैसिफिक ओशन में से भी जा रहा है, अटलांटिक ओशन में से भी जाता है, फिर अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसमें से जा रहा है, पैसिफिक ओशन में से भी जाता है। तो इक्वेटर जो है वो बहुत सारे ओशंस में से जा रहा है और कॉन्टिनेंट्स में से जा रहा है, ठीक है। एनसर्कल द इंटरसेक्शन ऑफ 0 डिग्री मेरिडियन एंड 0 डिग्री पैरेलल ऑफ द ग्लोब। ग्लोब का जो 0 डिग्री मेरिडियन है, मेरिडियन यानी ये जो लाइन होती है 0 डिग्री वाली वो, एंड पैरेलल यानी आड़ी लाइन जो है इक्वेटर वाला जो 0 डिग्री है वो, तो वो कहाँ पे आएगा? आई थिंक यहाँ पे अंदर बीच में आएगा, ठीक है। विच ओशंस आर स्प्रेड इन ऑल ओवर ऑल द 4 हेमिस्फीयर। कौन सा ओशन ऐसा है जो चारों हेमिस्फीयर में आता है? तो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे मेरे पास ग्लोब है। ये ग्लोब में आप देखोगे कि पैसिफिक ओशन जो है मुझे दिख रहा है, मैं सारे ओशन तो नहीं देख रही हूँ पर एक मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए पैसिफिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन दिख रहा है यहाँ पे, यानी पैसिफिक ओशन जो है वो नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है। साउथ वाला भी मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए साउथ पैसिफिक ओशन दिख रहा है आपको ना, है ना। और पैसिफिक ओशन अगर हेमिस्फीयर, ये जो मेरिडियन के हिसाब से अगर हम ईस्ट और वेस्ट में इसको डिवाइड करेंगे तो पैसिफिक ओशन जो है ईस्ट पार्ट में भी आता है और वेस्ट में भी आता है, यानी चारों हेमिस्फीयर में पैसिफिक ओशन आता है। विच कॉन्टिनेंट्स आर स्प्रेड इन ऑल द 4 हेमिस्फीयर। ये मैंने देखा नहीं है, आप ग्लोब होगा आपके पास तो आप भी सर्च कर सकते हो, ये काम मैं आपको देती हूँ, ठीक है। एट विच 2 पैरेलल्स डू ऑल द मेरिडियंस कॉन्वर्ज। व्हेन वी टॉक अबाउट वेरियस प्लेसेस, रीजन्स, रिवर्स, रोड्स एक्सेट्रा, वी आर एक्चुअली टॉकिंग विथ रेफरेंस टू द अर्थ। तो हम किसी भी प्लेस के बारे में, किसी एरिया के बारे में, रिवर या रोड के बारे में बात करते हैं तो हम उसका रेफरेंस अर्थ के अनुसार लेते हैं, यानी अर्थ पर उसका लोकेशन कहाँ पे है ये हम अर्थ के अनुसार ही लेते हैं। द लोकेशन ऑफ अ प्लेस, द एक्सटेंट ऑफ अ रीजन एंड द एक्सटेंट ऑफ एनी लीनियर फीचर कैन बी डिस्क्राइब प्रिसाइजली विद द हेल्प ऑफ पैरेलल्स एंड मेरिडियंस। ये जो पैरेलल्स एंड मेरिडियंस होते हैं, पैरेलल्स यानी लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस यानी लॉन्जिट्यूड्स जो होते हैं, उसके जरिए हम प्रिसाइजली वो बता सकते हैं किसी भी जगह का जो लोकेशन है। लेट अस सी हाउ टू यूज द ग्रेटिक्यूल फॉर दिस पर्पस। अब ये ग्रेटिक्यूल को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। वेरीफाई द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ अ वर्ल्ड मैप और अ ग्लोब इन द स्कूल। व्हाइल डिस्क्राइबिंग द लोकेशन ऑफ अ प्लेस वी नीड टू कंसिडर ओनली 1 पैरेलल एंड 1 मेरिडियन। किसी भी लोकेशन को जानने के लिए हमें 1 पैरेलल एंड 1 मेरिडियन का वहां पे हमें बताना पड़ता है, उसे लिखना पड़ता है, तो उसके जरिए हम लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, दिल्ली इज लोकेटेड एट 28 डिग्री 36 मिनट। ये जो ऊपर में एक एपोस्ट्रोफी टाइप रहता है ना, 1, तो वो मिनट होते हैं, और 2 अगर है तो वो सेकेंड्स होते हैं। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 28 डिग्रीज 36 मिनट्स 50 सेकेंड्स नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है, एंड 77 डिग्री 12 मिनट्स 3 सेकेंड्स ईस्ट लॉन्जिट्यूड। तो इस तरह से दिल्ली का लोकेशन हम लिख सकते हैं और एग्जैक्ट लोकेशन हमें दिल्ली का फिर मिल जाता है। फॉर डिस्क्राइबिंग द एक्सटेंट ऑफ अ रीजन वी नीड टू कंसिडर 2 पैरेलल्स एंड 2 मेरिडियंस एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रीजन। किसी एरिया का
यानी कोई रीजन है बड़ा सा, उसका अगर हमें बताना है लोकेशन, तो उसका एक्सटेंट बताने के लिए हमें दो पैरेलल्स और दो मेरिडियन का उपयोग करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, द एक्सटेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज डिस्क्राइब्ड एज 10° 30' साउथ टू 43° 39' साउथ लेटिट्यूड. तो ऑस्ट्रेलिया को अगर हम बता रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन बता रहे हैं, तो हमें इस तरह से बताना होगा, दो पैरेलल्स और दो मेरिडियंस के हिसाब से. तो ये हो गए पैरेलल्स और ये हो गए मेरिडियन. 113 डिग्री ईस्ट टू 153 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया का एक्सटेंट. फॉर डिस्क्राइबिंग द एक्सटेंट ऑफ लिनियर फीचर्स लाइक अ रिवर, रोड एक्सेट्रा, वी नीड टू कंसिडर द लेटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड ऑफ देयर टर्मिनल पॉइंट्स. किसी भी रिवर का अगर हमें बताना है तो वो कहाँ से निकलती है और कहाँ पे एंड होता है, उसके हिसाब से उसके लेटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड हमें बताना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, द रिवर नाइल इज इन अफ्रीका ओरिजिनेट्स इन लेक विक्टोरिया, फ्लोज नॉर्थ एंड मीट्स द मेडिटेरेनियन सी नियर द सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट. तो ये जो रिवर नाइल है ये कहाँ से निकलती है और कहाँ पहुँचती है. द लोकेशन ऑफ लेक विक्टोरिया इज 0° 45' 21" 45 minutes 21" साउथ लेटिट्यूड, ये हो गया लेक विक्टोरिया का लोकेशन. एंड 33° 26' 18" ईस्ट लॉन्जिट्यूड. तो ये जहाँ पे खत्म होती है वो रिवर, जहाँ पे लास्ट एंड होता है उसका अलेक्जेंड्रिया में, तो वो लोकेशन ये रहा. सिमिलरली द लोकेशन ऑफ अलेक्जेंड्रिया इज 31° 12' नॉर्थ लेटिट्यूड एंड 29° 55' 7" ईस्ट लॉन्जिट्यूड. दीज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स आर कंसिडर्ड टू डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ द रिवर नाइल. तो इस तरह से नाइल को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, नाइल रिवर को. दिस एक्सटेंट इज फ्रॉम 0° 45' साउथ लैटिट्यूड एंड 33° 26' ईस्ट लॉन्जिट्यूड, इसका ओरिजिन है, ठीक है. 231° 12' नॉर्थ लेटिट्यूड एंड 29° 55' ईस्ट लॉन्जिट्यूड अप टू द माउथ. तो इस तरह से हमें किसी रिवर का लोकेशन अगर बताना है तो उसका ओरिजिनेट कहाँ से होती है और एंड उसका कहाँ पे होता है, उसके जरिए उसका लोकेशन हम बता सकते हैं. लेट्स यूज द ग्रेटिक्यूल. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट लोकेशन एंड एक्सटेंट विद द हेल्प ऑफ द फिगर 2.3. यहाँ पे 2.3 में मैप दिया है, तो उसके हिसाब से ये जो क्वेश्चन है इसका हमें आंसर ढूंढा है. विच लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड डिफाइन द लोकेशन ऑफ द कैपिटल ऑफ ब्राजील, ब्राजीलिया, ब्राजीलिया, ब्राजील. कौन सी लैटिट्यूड और कौन सी लॉन्जिट्यूड हमें यूज करना पड़ेगा इसमें बताओ तुम. देखो ये ब्राजीलिया जो है ये यहाँ पे है, कैपिटल ऑफ ब्राजील ब्राजीलिया, ये ब्राजीलिया यहाँ पे है. ओके, तो सपोज ये जो मेरिडियन है ये 50° यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला 50° है. तो यहाँ पे जो मेरिडियन है ये मेरिडियन जो है 50 से कम होगा, है ना. तो हम अप्रोक्सीमेटली, हम कंफर्म नहीं बता सकते, ये 47 तक होगा शायद, ये 47° तक होगा, है ना. और यहाँ पे देखिए 10° के नीचे है ये और यहाँ पे 20° है, सॉरी 10° के ऊपर जाएगा फिर. तो इसको अगर हम पैरेलल लाइन से ऐसे जोड़ते हैं तो ये 10 से ऊपर, हम ये समझते हैं कि यहाँ पे आधा, यानी ये 15 होगा, इसका मतलब यहाँ पे 13 हो सकता है, तो हम इसको 13° ले सकते हैं. तो इस तरह से हम ये लोकेशन ब्राजीलिया का निकाल सकते हैं. वॉट वुड बी द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ ब्राजील दैट स्प्रेड्स फ्रॉम 0° 15' नॉर्थ. एक्सटेंट ऑफ ब्राजील दैट स्प्रेड्स फ्रॉम 5°, ये देखिए कहाँ से एक्सटेंड हो रहा है, 5° से, 5° से वो एक्सटेंड हो रहा है. कहाँ पे गया, यहाँ पे एक्चुअली पूरा मैप नहीं है इसलिए मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ वो किस तरह से आपको मेजरमेंट करना है.
तो अगर ग्लोब पे देखोगे ना, बड़े वाले ग्लोब पे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि पूरी लॉन्जिट्यूड्स और लेटिट्यूड वहां पे दिखाई देती है। ठीक है, यहां से देख सकते हो 0 डिग्री यहाँ पे है ना, 0 डिग्री, तो ये मेरिडियन 0 डिग्री से आएगा, 5 डिग्री से, 0 तो यहाँ पे है, यानी यहाँ पे 5 डिग्री होगा वो यहाँ पे। एक्चुअली मेरिडियंस पूरे, टोटल मेरिडियंस हमारे पास नहीं है, तो हम इसको इतने अच्छे से मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ मैप को। ठीक है, इन विच हेमिस्फेयर डज ब्राजील एक्सटेंड इन द ईस्ट वेस्ट, इन विच हेमिस्फेयर डज ब्राजील एक्सटेंड्स इन द ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट में कौन से हेमिस्फेयर में ब्राजील एक्सटेंड हो रहा है, कौन सा हेमिस्फेयर है वो, नॉर्थ हेमिस्फेयर में होगा है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे इन विच हेमिस्फेयर डज ब्राजील एक्सटेंड इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट में ज्यादा फैल रहा है, तो कौन से हेमिस्फेयर में है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में है ना, नीचे नहीं दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है हमें एक्सटेंड होते हुए, ईस्ट और वेस्ट में ज्यादा एक्सटेंड यहाँ पे हो रहा है, और इसीलिए वो नॉर्थ हेमिस्फेयर में एक्सटेंड हो रहा है। विच पैरेलल्स एंड मेरेडियंस शुड बी यूज टू डिस्क्राइब द एक्सटेंड ऑफ रिवर साओ फ्रांसिस्को, विच पैरेलल्स एंड मेरेडियंस शुड बी यूज, रिवर कहाँ गई, रिवर दिख रही है आपको, रिवर सो फ्रांसिस्को रिवर कहाँ गई, यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा है, हाँ ये रही, ये कौन से मेरेडियन में है, ये देखो 10 डिग्री में है ना, ये सॉरी पैरेलल में, 10 डिग्री वाली जो पैरेलल है उसमें ये दिख रही है ना, और मेरेडियन कौन सी होंगी ये, अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं ऐसे, तो ये 40 और 50 के बीच, ये 47 के बीच में आएगा, यानी यहाँ पे हो सकता है 43 आ जाए, एग्जैक्ट तो मैं भी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट यहाँ पे लाइंस जो मेरेडियन से वो दी नहीं है, इसलिए हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन अंदाज से मैं बता रही हूँ। डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ मोजेरो आइलैंड यूजिंग द ग्रेटिक्यूल, मोजेरो आइलैंड, आइलैंड कहाँ गया, ये मोरेजो, मोरेजो आइलैंड, ओके, तो सेम वही प्रॉब्लम आ रही है कि हम डायरेक्ट मेरेडियन हमारे पास क्लियरली यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, इसलिए हम उसको एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन आपको समझ गया होगा कि किस तरह से आपको वो लोकेशन निकालना है, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के यूज से आपको वो निकालना है। ओके, तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये जो है ना, ये आपको ग्लोब लेके ही बैठना पड़ेगा, और ग्लोब लेकर ही इसको समझना है, तो वीडियो में मैं इतने अच्छे से आपको समझा नहीं पा रही हूँ, लेकिन सॉरी फॉर दैट, पर ये जो ग्लोब है ना, आप अगर आपके घर में ग्लोब है तो उसको आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको वो समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, थैंक यू सो मच।